मंदिर मस्जिद में सिर झुकाए खड़े श्रद्धालु हिंदुस्तान के हर गली कूचे में दिख जाते हैं, लेकिन भारत सरकार की ट्रेन के एक डिब्बे में मंदिर की घंटियां गूंजने लगी तो सियासत में हाहाकार मच गया। रविवार को पीएम मोदी ने काशी महाकाल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। रवाना होने से पहले इसी ट्रेन की एक सीट को मंदिर की शक्ल दे दी गई और भोलेनाथ से ट्रेन के सफर के लिए मंगल कामना की गई। ये तस्वीरें उन तमाम लोगों को अखर गई जिन्हें लगता है कि मोदी सरकार देश के संविधान की धर्मनिरपेक्ष आत्मा पर चोट कर रही है और ट्रेन में मंदिर सरकार के इसी एजेंडे का हिस्सा है। सबसे पहले आवाज उठाई AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने। ओवैसी ने संविधान की तस्वीर लगाकर सोशल मीडिया पर अपनी धर्मनिरपेक्ष भावनाएं उड़ेल दी। इससे पहले की बात ज्यादा आगे बढ़ती IRCTC ने ट्रेन के कोच में शिव मंदिर की अफवाहों को लेकर सोशल मीडिया पर सफाई जारी कर दी। काशी महाकाल ट्रेन के स्टाफ ने नए प्रोजेक्ट की सफलता के लिए भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने के मकसद से ऊपर की बर्थ पर महाकाल की तस्वीर अस्थायी तौर पर लगाई थी। ये सिर्फ उद्घाटन के मौके के लिए था, उद्घाटन यात्रा आम यात्रियों के लिए नहीं थी। ट्रेन की सीट में स्थायी मंदिर बनाने की कोई योजना नहीं है। दरअसल महाकाल ट्रेन में मंदिर बनाने की अफवाह न्यूज एजेंसी ANI के एक ट्वीट की वजह से फैली, जो रविवार को ट्रेन के उद्घाटन के मौके पर खबर के तौर पर किया गया था। इसमें कहा गया है, काशी महाकाल एक्सप्रेस के कोच नंबर B5 की सीट नंबर को भगवान शिव के मंदिर में तब्दील कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्रेन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। हालांकि इस ट्वीट में ये कहीं भी नहीं कहा गया कि सीट नंबर 64 को हमेशा मंदिर के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा या सिर्फ उद्घाटन के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है, लेकिन जिसे जैसा मुफीद लगा उसने खबर को वैसा समझा। ओवैसी को संविधान खतरे में दिखने लगा तो मध्य प्रदेश की कांग्रेसी सरकार के मंत्री अपनी पार्टी लाइन से अलग जाकर पीएम मोदी पर बधाइयां बरसाने लगे। मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि कम से कम उन्होंने किया, और उसके साथ साथ मैं तो ये कहना चाहता हूँ जहाँ जहाँ यात्रा से गुजरेगी जिन जिन धार्मिक स्थलों से उन जगहों के भी पीठ को एक एक स्थान छोड़ा जाए। हालांकि IRCTC की सफाई से मंदिर का विवाद भले ही फिलहाल थम गया हो, लेकिन रेल कर्मचारियों की नाराजगी और बढ़ गई है। प्रयागराज पहुंची ट्रेन के सामने कर्मचारियों ने नारेबाजी और प्रदर्शन किया। इनका आरोप है कि सरकार रणनीतिक तरीके से रेलवे का निजीकरण कर रही है। दतिया से अशोक वर्मा, वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ आज तक के रहे।